Okay, so here's a lecture on the packaging of DNA into the chromosomes. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्रोमोसोम्स में कैसे हो जाता है. तो ज्यूरिंग द इंटरफेस अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं तो सेल साइकिल में जब जो पहला फेज होता है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरफेस. अगर सेल साइकिल की बात मैं करूं सेल साइकिल में पहला फेज जो होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस. तो सेल साइकिल दो फेजेस का बना होता है, एक तो है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज. इंटरफेज और एम फेज. अब जो इंटरफेज है, इंटरफेज में जब सेल्स ड्यूरिंग द इंटरफेज उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उनमें जो डीएनए होता है वो लूजली अरेंज्ड फॉर्म में होता है. तो उस लूजली लेस कंपैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए को हम क्रोमैटिन बोलते हैं. तो इंटरफेज में सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल दैट मींस डीएनए जो होता है वो डीएनए लूजली अरेंज्ड होता है, लेस कंपैक्ट होता है वो. और उस लेस कंपैक्ट डीएनए को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं. क्रोमैटिन लेस कंपैक्ट, ठीक है ना. ये लेस कंपैक्ट होता है, ये लूज होता है, तो इसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं. लेकिन उसके बाद अगर सेल्स ज्यूरिंग द इंटरफेज जो इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है वो जो डीएनए होता है वो लेस कंपैक्ट फॉर्म में होता है और उस लेस कंपैक्ट फॉर्म को हम क्रोमैटिन बोलते हैं. इसी तरह उन सेल्स में जो नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होती है, नॉन डिवाइडिंग स्टेट सेल साइकिल में एक स्टेट है, एक स्टेज है दैट इज कॉल्ड एज द जी नॉट स्टेज. उसको हम जी नॉट स्टेज बोलते हैं. तो उस जी नॉट स्टेज में सेल्स क्या रहती हैं, अनडिवाइडिंग. उनको हम अनडिवाइडिंग सेल्स बोलते हैं, अनडिवाइडिंग स्टेट. तो उसमें सेल्स बहुत अरसे तक रह सकती हैं जी नॉट स्टेज में. द सेल्स कैन रिमेन फॉर द इयर्स इन दिस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग एनी डिविजन. तो अनडिवाइडिंग स्टेट में भी जो सेल्स में जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, लेस कंपैक्ट डीएनए इनमें होता है. लेकिन जो ये लेस कंपैक्ट डीएनए होता है उसके बाद क्या हो जाता है, अब जब सेल डिवाइडिंग स्टेट में आ जाएगी, व्हेन द सेल कम्स इन द डिवाइडिंग स्टेट, तो डिवाइडिंग स्टेट में क्या हो जाता है, जो ये लेस कंपैक्ट डीएनए होता है, लेस कंपैक्ट डीएनए दैट मींस क्रोमैटिन जो होता है ये मोर कंपैक्ट हो जाता है, ये मोर कंडेंस हो जाता है. और उस मोर कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं. तो क्रोमैटिन को क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन अब ड्यूरिंग द डिवीजन, जब डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल. तो ड्यूरिंग द डिवीजन दैट मींस जब सेल्स डिवाइडिंग हो जाएंगी, जब सेल्स, तो जब एक सेल अब डिवाइड होने लगेगी दैट मींस व्हेन सेल एंटर्स इन द एम फेज. जब एक सेल एम फेज में एंटर हो जाएगी, व्हेन सेल एंटर्स, एक सेल है ये एम फेज में एंटर हो जाएगी. अब एम फेज, जब ये एम फेज में एंटर हो जाती है, जो जो इसका लूजली कंपैक्ट डीएनए दैट मींस क्रोमैटिन है, वो लूजली कंपैक्ट डीएनए और क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू हाईली कंडेंस्ड और हाईली कंपैक्ट फॉर्म जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है. तो ये इस फेज में, ये इस स्टेट में आ जाएगा, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, वाइल एज क्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन है इट इज लेस कंडेंस्ड फॉर्म. ये लेस कंडेंस्ड फॉर्म है, लेस कंडेंस्ड फॉर्म, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म एंड लेस कंडेंस्ड फॉर्म. तो जब ऐसा हो जाता है, कंपैक्ट फॉर्म बन जाती है, उसके बाद देखो अगर हम बात करें क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम में अंडर 5 सेंटीमीटर, एक क्रोमोसोम में जस्ट अंडर 5 सेंटीमीटर डीएनए होता है. लेस देन 5 सेंटीमीटर ऑफ डीएनए किसमें होता है, एक क्रोमोसोम, एवरेज ह्यूमन क्रोमोसोम्स में.
जो एवरेज ह्यूमन क्रोमोसोम है, एवरेज ह्यूमन क्रोमोसोम्स में, एवरेज ह्यूमन क्रोमोसोम्स में अंडर फाइव लेस देन 5 सेंटीमीटर ऑफ डीएनए मौजूद होता है. लेस देन 5 सेंटीमीटर ऑफ एवरेज ह्यूमन क्रोमोसोम इज हैविंग अंडर 5 सेंटीमीटर ऑफ डीएनए. तो देखो यहां पर जब एवरेज ह्यूमन क्रोमोसोम में लेस देन 5 सेंटीमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है, देयरफॉर इस डीएनए को इस क्रोमोसोम में इतनी कंपैक्टली से डालना, इतनी कंपैक्ट से इसको उसमें इंसर्ट करना, तो उस उसके लिए एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है जिससे ये डीएनए इस क्रोमोसोम में फिट हो जाता है. ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को जिससे ये डीएनए जो बड़ा ही लीनियर होता है, जो जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसको कंपैक्टली क्रोमोसोम्स में अरेंज करने के लिए एक हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है. उस हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम को हम पैकेजिंग सिस्टम भी बोलते हैं. उसको क्या हम बोलते हैं? पैकेजिंग सिस्टम, पैकेजिंग सिस्टम. तो उस सिस्टम को हम पैकेजिंग सिस्टम भी बोलते हैं. तो ये पैकेजिंग सिस्टम क्या है, अब हम आगे जानेंगे कि ये पैकेजिंग सिस्टम क्या है. अब देखो एक क्रोमोसोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम बना होता है एक सिंगल और एक लीनियर डीएनए, सिंगल और एक लॉन्ग लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल का वो बना होता है. और जो ये लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल किन के साथ अटैच हुआ होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ. ये लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इस लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल के साथ कौन अटैच होते हैं? इसके साथ अटैच हुए होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स. ये मैं यहां पर लिख देता हूं इनको, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स. और यही जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, जो अटैच हुए होते हैं इस डीएनए मॉलिक्यूल के साथ, यही इस डीएनए मॉलिक्यूल को फोल्ड करते हैं और उसको पैक करते हैं किसमें? इंटरफाइन थ्रेड, इंटरफाइन थ्रेड. और इसको एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं. ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन इस डीएनए मॉलिक्यूल को फोल्ड करते हैं और उसको कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं. और वो स्ट्रक्चर जब कंपैक्ट बन जाता है, दैट गेट्स इनटू द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम. ठीक है, तो ये जो पैकेजिंग सिस्टम है, पैकेजिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दीज हिस्टोन प्रोटीन्स. दे फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड एज द पैकेजिंग सिस्टम. अब देखो जब जो ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, अब जो ये प्रोटीन्स है जो डीएनए को बाइंड करते हैं, जो डीएनए को बाइंड करते हैं उसको एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये प्रोटीन्स डिवाइड हो गए हैं दो जनरल क्लासेस में. दीज हिस्टोन प्रोटीन्स आर, और सिंपली दीज प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स है, अब ये प्रोटीन्स जो कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं डीएनए मॉलिक्यूल का, तो ये प्रोटीन्स डिवाइड हो गए हैं इनटू टू क्लासेस. किस किस क्लास में ये डिवाइड हो गए हैं? वन इज रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स, रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स, और रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स एंड रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स. तो दो क्लासेस यहां तक आ गई. जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ये जो डीएनए को कंपैक्ट कर देते हैं, तो ये जो प्रोटीन्स है ये दो क्लासेस के बने होते हैं. एक तो है रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स और दूसरे होते हैं रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स. अब देखो ये जो पैकेजिंग सिस्टम है जो बना है प्रोटीन्स का, जिसमें हम मैंने जिक्र किया अभी हिस्टोन प्रोटीन्स का भी, तो ये जो पैकेजिंग सिस्टम है, इट्स दिस पैकेजिंग सिस्टम इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ये बना होता है प्रोटीन्स का. तो ये जो प्रोटीन्स है जो डीएनए को एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो ये प्रोटीन्स होते हैं दो किस्म के. दे आर डिवाइड इन द टू क्लासेस. द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज द हिस्टोन histone proteins and non-histone proteins, non-histone proteins, histone proteins और non-histone proteins के दो classes
इस पैकेजिंग सिस्टम में, ये पैकेजिंग सिस्टम दो क्लासेस का बना होता है, वन इज कॉल्ड एज द हिस्टोन प्रोटीन्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स भी दो किस्म के होते हैं। हिस्टोन्स होते हैं, एक तो होते हैं रिप्लिकेशन डिपेंडेंट, रेप्लिकेशन डिपेंडेंट, या मैं यहां दिखाता हूं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स एंड रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक, तो रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? उनका नाम है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो ये है रिप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स, और सबसे ज्यादा इनमें H3 और H4 हाईली कंजर्व्ड होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईली कंजर्व्ड, हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन्स। तो इनमें से H3 और H4 हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन्स होते हैं। और जो ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स ड्यूरिंग एस फेज बन जाते हैं, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ये ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल बन जाते हैं। हिस्टोन रिप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स दे गेट फॉर्म ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल, व्हाइल एज द नॉन हिस्टोन, जो ये रिप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये हमेशा बन जाते हैं सेल साइकिल में, एट एवरी स्टेज बन जाते हैं, दे आर फॉर्मड एट एवरी स्टेज ऑफ सेल साइकिल, ये फॉर्म होते हैं एट एवरी स्टेज ऑफ सेल साइकिल। और हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन, हाईली कंजर्व्ड हिस्टोन प्रोटीन H3 और H4 होते हैं, और सबसे वेरीड जो होता है, जिसमें वेरिएशंस आ जाती है, दैट इज H1। H1 इट इज अ वेरीड, इट शोज वेरिएशन बिटवीन द स्पीशीज, वेरिएशन बिटवीन स्पीशीज, इसमें वेरिएशंस आ जाती है। H1 हिस्टोन प्रोटीन, इट शोज वेरिएशन, ये वेरिएशन शो करता है बिटवीन द स्पीशीज। अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूँ, तो वर्टिब्रेट्स में ये जो H1 होता है, वर्टिब्रेट्स की मैं बात करूँ, तो वर्टिब्रेट्स में ये H1 ऐसे होता है, इसकी वेरिएशन H1A वहाँ पर होता है, H1E होता है, H1V होता है, H1T होता है, एंड H5 होता है। तो ये वर्टिब्रेट्स में,